हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। नई चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल सी एक वेज चाउमिन की रेसिपी, जो ज़्यादातर सभी को बनाना आता ही है, और जिनको नहीं बनाना आता है उनके लिए ही ये वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम चाउमिन को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने गर्म पानी चढ़ा दिए हैं, नमक ऐड करेंगे और तेल ऐड करेंगे, जिससे हमारी चाउमीन एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। इसमें आप अलग से विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, आधा पैकेट रेगुलर जो मार्केट में मिलती है 20-25 रुपए वाली नॉर्मल चाउमीन, तो उसको मैंने छोटे टुकड़े कर लिए थे। 8 से 10 मिनट चाउमीन को बॉईल करने के बाद हम इन्हें छान कर साइड में रख देंगे, जिससे जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगी। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिए हैं। इस रेसिपी में मेरी तेल थोड़ी सी कम हो चुकी थी, आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मैं 3 से 4 हरी मिर्ची और 3 से 4 लहसुन को चॉप करके ऐड किए। ब्राउन होने तक फ्राई करने के बाद मैंने इनमें गाजर, कैप्सिकम और प्याज ऐड किए, जिनको मैंने थोड़े से मोटे टुकड़े करके काट लिए थे। हल्की सी सॉफ्ट हो जाने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए। बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे, सिंपल स्टाइल में। तो हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीखा आप आपके स्वाद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा ऐड करें। 1 से 2 पिंच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। सॉस ऐड करने से पहले चाउमीन का मसाला ऐड किया है मैंने, जो कि ऑप्शनल है। आप मैगी का मैजिक मसाला ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच सोया सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1.5 चम्मच टोमेटो सॉस, जो कि रेगुलर सॉस होती है। तो इन्हें बस 1 से 2 मिनट के लिए कलर चेंज हो जाने तक हम फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम बॉयल की हुई चाउमीन को ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए बस हाई हीट पर फ्राई करें। हमारी सिंपल सी वेज चाउमीन इजी स्टाइल में बन चुकी है। इसे गर्म ही परोसे सुबह या फिर शाम को नाश्ते में बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।